करके धान उपार्जन केंद्रों में भले ही 27 नवंबर से टोकन काटा जा रहा है, 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, मगर मुंगेली जिले में प्रशासनिक अव्यवस्था के चलते दर्जन भर धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी बंद है। आलम यह है कि इन खरीदी केंद्रों में धान खरीदने के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई है। इसके अलावा जिन अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी धान प्रभारी के तौर पर लगाई गई है वो भी उपार्जन केंद्र नहीं पहुंच रहे हैं, इससे किसान आक्रोशित हैं और धान उपार्जन केंद्र बुंदेली का घिराव किसानों के द्वारा कर दिया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो चक्का जाम किया जाएगा। नाराज किसानों ने केंद्र पहुंचकर स्वराज संवाददाता रोहित कश्यप ने किसानों से खास बातचीत की है। अभी हम मुंगेली जिले के बुंदेली धान उपार्जन केंद्र मौजूद है। यहाँ के किसान बड़ी संख्या में यहाँ धान बेचने के लिए टोकन कटाने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ ना तो कोई धान लेने के लिए इंतजाम है और न ही कोई टोकन काटने की कोई व्यवस्था है। बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो धान खरीदी प्रभारी जिनको बनाया गया है वो भी यहाँ नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते किसानों में भारी आक्रोश है और आंदोलन की बात कर रहे हैं। किसानों से बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, बताएंगे क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है यहाँ पास। एक तारीख से हमारे सभी किसान भाई लोग यहाँ रोज आ रहे हैं अपना अपना टोकन कटवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो भी आदमी रहता है वो कह बोलता है कि यहाँ पे कोई साहब नहीं है और यहाँ किसी प्रकार की अभी खरीदी नहीं हो रही है। अभी इसके बारे में आप लोगों ने समिति जो प्रभारी है उनसे या फिर कोई किसी अधिकारी से बात की होगी, क्या कहने हैं उनका? अब यहाँ पे जो एक अधिकारी है जिसकी नौकरी लगी हुई है उससे हम पूछते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ पे प्रभारी नहीं है, और जब भी प्रभारी जब अभी तक यहाँ 2-3 प्रभारी अपॉइंट हो चुके हैं उनसे हम पूछते हैं फोन लगा लगा के कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उनका कहना रहता है कि हम यहाँ पे नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, हम अभी नौकरी नहीं करेंगे। जी आप लोग अभी केंद्र में पहुँचे हैं, क्या चीज के लिए पहुँचे हैं और क्या समस्या है आप लोग यहाँ? टोकन के लिए आए हैं यहाँ पे। तो स्थितियाँ क्या है, धान खरीदी हो रही है कि क्या? कुछ नहीं है भाई, पूरा आप लोग देख लीजिए, यहाँ तो ना कोई टोकन देने वाले हैं ना कुछ, माने कर्मचारी भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो किसी अधिकारी या कर्मचारी से आपकी बात हुई होगी कि आपके धान की होते हैं? बस ऐसे देख के चले जाते हैं, कोई बात नहीं करते, आते हैं देख के चले जाते हैं। तो फिर जैसे अभी अब धान की खरीदी सुचारू रूप से अगर यहाँ व्यवस्था नहीं की जाती तब फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग कलेक्टर साहब का घेराव करेंगे और रायपुर रोड में चक्का जाम करेंगे। जी आप बताइए, आप भी धान बेचने आए हैं क्या? हाँ धान बेचने आए हैं। क्या समस्या क्या है? यहाँ समस्या है, यहाँ कोई खरीदार खड़े नहीं हो रहा है। 27 तारीख से यहाँ आ रहा हूँ टोकन कटवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई अधिकारी ना ही कोई कर्मचारी नहीं है। सिर्फ एक जने को यहाँ खड़ा करा दिया गया है और उससे आके बात किया जाता है तो बोलते हैं कि अधिकारी आएंगे तब टोकन काटा जाएगा, लेकिन यहाँ ना कोई अधिकारी पहुँच रहे हैं ना ही शासन के द्वारा कोई व्यवस्था है। धान खरीदी यहाँ पर जो ऑपरेटर है बारदाना प्रभारी है वो भी मौजूद है, क्यों नहीं हो रही इस केंद्र में धान की खरीदी? यहाँ सर जो धान खरीदी प्रभारी की ड्यूटी लगी है वो नहीं आ रहे हैं, इस वजह से खरीदी रुकी हुई है और कोई भी प्रकार का काम उसी वजह से नहीं चल रहा है। तो बड़ी संख्या में किसान पहुँच रहे हैं, फिर उनकी समस्याएं हैं, फिर कैसे निराकरण होगा फिर उनका? अब ये लोग को जो आते हैं उन लोगों को बताते हैं कि धान खरीदी प्रभारी उपस्थित है, इस वजह से जब भी वो लोग आ पाएंगे तभी खरीदी प्रारंभ किया जाएगा, और ऊपर अधिकारियों को बताया जाता है कि किसान ला रहे हैं टोकन कटवाने के लिए जो भी है करके, तो अधिकारियों द्वारा वही रहता है कि व्यवस्था करवा रहे हैं, जल्दी से व्यवस्था कर दी जाएगी। तो ये थे बुंदेली धान उपार्जन केंद्र के अंतर्गत के जो किसान हैं वो धान बेचने आए हुए हैं, टोकन कटाने आए हैं, लेकिन यहाँ धान खरीदी करने के लिए कोई कर्मचारी या अधिकारी मौजूद नहीं है, जिसके चलते भारी आक्रोश इनमें पनप रहा है और ये जो है जो किसान जो प्रभावित लोग हैं जो परेशान हैं वो इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है या धान की खरीदी सुचारू रूप से समय में नहीं होती है तो ये लोग कलेक्टर से घेराव करेंगे। शाम को ARCS और फूड अफसर ने वहाँ के जो समिति के अध्यक्ष हैं और संचालक मंडल हैं उनसे चर्चा करके दूसरी खरीदी प्रभारी की नियुक्ति कर दी है और टोकन भी कट गया है, कल से बिल्कुल लगातार खरीदी चालू हो जाएगी और कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत होगी तो पुनः हम लोग उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे, किसानों को किसी प्रकार की धान खरीदी में परेशानी आने नहीं दी जाएगी।